मैं ये आप सबको खास नसीहत समझे, वसीयत समझे, ये घेरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। बड़े कितना ही बड़ा नाम आला हज़रत जिंदाबाद, इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है इसलिए हमने आला हज़रत हमारी समझ में आ गए, वरना यह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आला हज़रत के फ़िक़ी मसाइल हों, एतिकादियात हों, जो भी हो, बस आला हज़रत की तहकीकात हमारे लिए हर्फ़ आखिर है। ये सारे मेरे मदनी बेटे मदनी बेटियाँ ये जहन बना लें, और ये पहचान है हमारी कि जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हम ज़िक्र खैर करें तो जिसका चेहरा बशाशत चेहरे पर नज़र आए, चेहरा खिल उठे खुशी से, बस वो अपना है। बाकी जो भी हो अपने मतलब, हम भले मेरा रजा भला। वाकई हम तो आला हज़रत की खैरात पर पल रहे हैं, कम अज़ कम मैं तो आला हज़रत के टुकड़ों पर ही जी रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मुझे न संभालते तो खुदा जाने मैं कहाँ होता। ये इस दौर में इतने बड़े उम्मत के मोहसिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी हर बात कुरान हदीस के मुताबिक हमारी, इसीलिए तो इनकी तहकीकात पर आंखें बंद हैं आला हज़रत की तहकीकात पर, कि इनकी जो भी तहकीक है कुरान हदीस के मुताबिक है, अपनी घर की बात नहीं है, कुरान हदीस से कोई बात इनकी टकराने वाली नहीं है। इतने बड़े आलिम मुफ्ती और इतने बड़े मतलब इनके पाए के वली बुज़ुर्ग आशिक रसूल थे, इसलिए हमने इनका दामन पकड़ के आँखें बंद कर ली है कि इंशाअल्लाह ये हमें जन्नत ही में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इनके पीछे पीछे गौसबाग के पास पहुँचे, गौसबाग हमें अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में पेश करेंगे, और यूं इंशाअल्लाह बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। ये जहन बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग और आप भी आगे ये मैंने जो भी अर्ज़ किया है उसको आगे बढ़ाते रहें, हमारी नस्लों में इसको नाफिज करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। फैज़ान-ए-आला हज़रत जारी।